Hello everyone, welcome back to my channel Beauty Investigation Department. So it's been a bit long time since I've uploaded my hair oiling videos and all. So today I thought, why can't I make a video on how to oil your hair properly, plus head massaging techniques, plus what the tips you should follow after or before hair oiling. So here I am for you with a lot of hacks and tips so that after hair oiling your face won't feel like excessive oil and kind of lot of hair fall after hair oiling. You won't feel anything of this, so keep on watching the full video. And nowadays I'm getting so much request for my hair oiling videos, so maine socha ki ek proper hair oiling video share karte hain jisme sab kuch hoga, sab kuch cover hoga. Actually process that I follow like a couple of times in a week, I'm sharing just that, so ek like karna bilkul na bhule. सो गाइस, सर्दियाँ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है इस नवंबर 26 और पुणे में भी अभी से ठंड पड़ना स्टार्ट हो चुका है. तो इस सर्दियों की मौसम में हमें बहुत अच्छा लगता है गर्म खाना खाना, गर्म कपड़े पहनना, स्वेटर एंड ऑल एंड हॉट डिशेस. सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्म तिल मसाज, यानी कि हॉट ऑयल मसाज. घबराइएगा मत, ये हॉट ऑयल मसाज के लिए आपको ना गैस चाहिए, ना ही कोई हीटर चाहिए. ये हॉट ऑयल मसाज आप यू ही पा सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट. यस, मैं बात कर रही हूँ पैराशूट की हॉट ऑयल के बारे में. और रिसेंटली मैंने इसको परचेस किया और अभी मैं वही अप्लाई करूंगी हेवी हेयर ऑयलिंग विद पैराशूट हॉट ऑयल. सो आर यू इंटरेस्टेड, देन लेट्स चेक द वीडियो. सो गाइस, बेसिकली द टर्म हॉट ऑयल मींस इट नॉट लिटरली हॉट. Actually, it contains two warming ingredients like malkagni and piparnigam. And ये winter के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है because normal जो coconut oil है वो बहुत solidified हो जाता है, winter में एकदम जम के solid हो जाता है. लेकिन ये जो parachute का hot oil है वो एकदम जमता नहीं है, ऐसे ही बहुत light formula है. और parachute का जो normal coconut oil है वो चम्पी करने के बाद बहुत heavy feel होता है. अगर आप कोई light hair oil पसंद करते हो with lot of जड़ी बूटी एंड ऑल, तो ये आपके लिए अच्छा फार्मूला हो सकता है क्योंकि ये एकदम लाइट वेट है, आपको हैवीनेस फील नहीं होगा. इसका शेल्फ लाइफ आपको मिल जाता है 3 साल की और इसके इंग्रेडिएंट में सब लिखा है कि क्या क्या है इसके अंदर, बहुत सारे जड़ी बूटियाँ वगैरह है. और विंटर में जो फ्लेकीनेस, ड्राई स्कैल्प हो जाता है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो जाता है ये सब के कारण, सो ये बहुत ही हद तक दूर करता है उसको क्योंकि ये ड्राइनेस रिपेयरिंग हेयर ऑयल है. सो आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स अप्लाई द हेयर ऑयल. बिफोर अप्लाइंग अच्छे से अपने बालों को डिटेंगल कर लीजिए. और अभी मैंने ले लिया है एक कटोरी में ताकि मैं इसको अच्छे से पोर कर पाऊँ, जिसके लिए हमेशा रिक्वेस्ट आता है कि पोरिंग द ऑयल इन टू योर हेयर. तो मैं वही कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है हाथ में और फॉरहेड में भी, तो उसके लिए भी हमारे पास इस नुस्खा है, मैं वो शेयर करूँगी. इस तरीके से पार्ट वाइज मैं सेक्शन कर लूँगी और ऑयल को पोर करूँगी. ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑयल को पोर करूँगी अपने हेड पर क्योंकि ये हो रहा है एक हैवी हेयर ऑयलिंग चैलेंज. सो अच्छे से पार्ट वाइज सेक्शन करके आपको अप्लाई करना है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना. इसका स्मेल मुझे इतना पसंद नहीं आया, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, बट इसका टेक्सचर मुझे काफ़ी पसंद आया, स्पेशली फॉर विंटर. बहुत सर्दियाँ लग जाती थी मुझे नॉर्मल जो हैवी हेयर ऑयलिंग आता है पैराशूट का, लेकिन ये जो है बहुत सारा लाइट हेयर ऑयल है. सो इसको आप, अगर आपको बहुत ठंड लगता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो इस तरीके से मैं पोर कर लूँगी, आपको दिखाई दे रहा है कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल इस तरीके से पोर कर रही हूँ अपने हेड पर. और अच्छे से मसाज करूँगी, बहुत अच्छे से चम्पी करूँगी. मैंने फॉरवर्ड किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया. इस तरीके से प्रेशर देके आपको अप्लाई करना है हेयर ऑयलिंग. सो बहुत ही हल्के हाथ से आपको ये प्रेशर क्रिएट करना है, कुछ नहीं, बस अपनी उंगलियों को, जो टिप्स है इन उंगलियों का, उसको सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए अपने हेड पर. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, व्हाट आई एम डूइंग, पोरिंग, आई एम जस्ट पोरिंग अ लॉट ऑफ ऑयल. एक्चुअली इस तरीके से हेयर ऑयलिंग वीडियो बनाते बनाते अभी एक आदत हो गई है. अभी मैं जब भी घर पे भी, वाइल आई एम नॉट शूटिंग, तभी भी मैं ऐसे पोरिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑयल डालती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, थोड़ा सा हैवी फील होता है बट मज़ा भी आता है. और इसका एक ख़ास बात मैं आपसे शेयर करूँगी, इस तरीके से अगर आप मसाज करोगे ना तो आपकी टॉक्सिन रिलीज होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये.
सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। इस तरीके से आपकी कंधों से माथे से कंधों तक डाउनवर्ड में मसाज कीजिए, सो यू विल फील वेरी गुड। और ये सब चीज़ें ना बालों की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए, आपको बहुत सारा पानी पीनी चाहिए, यू शुड ट्रेक ग्रीन टी एटलीस्ट वंस इन अ डे। तो इस तरीके से आप ख्याल रखते हो, बायोटिन और प्रोटीन जो खाने में है वो अगर आप लो तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आपको डॉक्टर्स के पास कभी जाना नहीं पड़ेगा हेयर प्रॉब्लम्स को लेकर। सो इस तरीके से अब बाज़ार में बायोटिन कैप्सूल भी आ गया है, लोग उसको ले रहे हैं, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जो चीज़ खाने से ही मिल सकता है वो दवाई से क्यों है ना। खाने से अगर आप प्रोटीन ले सकते हो तो आपको इस तरीके के कितने अच्छे बाल मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स यू शुड फॉलो दिस टिप्स। तो अब मैंने एक कटोरी ख़त्म कर लिया, इसका पूरा नहीं भरा था मैंने, ऑनेस्टली इसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा था। और अभी मैं शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ आफ्टर हेयर ऑयलिंग। इस तरीके से मैं स्टीम लेती हूँ, कुछ नहीं, एक टी शर्ट को उसके जो हाथ है उसके ऊपर मैं इस तरीके से स्टीम ले लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ हेयर ड्रायर। और अभी मैं एक ब्रेड बना रही हूँ, सिंपल सा नॉर्मल सा ब्रेड जो है हेयर ऑयलिंग के बाद। लेकिन इसमें भी आप एक बात ख्याल रखिए कि आपको ये टाइट नहीं बनाना है। नेक्स्ट मैं इस तरीके से टैल्कम पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। ध्यान में रखना कि जब हेयर ऑयलिंग करते हैं, जिसका एक्ने प्रोन स्किन है, फोरहेड में बहुत ऑयल जम जाता है, दैट्स व्हाई आई फॉलो दिस हैक। आपको भी ये फॉलो करना चाहिए इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन। आई एम शेयरिंग दिस वीडियो, इट डजेंट मीन कि मेरा हेयर फॉल होता ही नहीं है, बिल्कुल होता है। तो आफ्टर हेयर ऑयलिंग एंड कॉम्बिंग एंड ये ब्रेडिंग, ये तीन हेयर फॉल हुआ है मेरा। सो नंबर वन, ये है नंबर वन, नंबर टू एंड दिस वन, लुक एट माई थंब, नंबर थ्री। सो ये दो तीन तीन चार ऐसे ही हेयर फॉल होते हैं। सो आई एम प्रिटी मच ओके विद दिस, बिकॉज ये तो होना ही है, कुछ नहीं कर सकते इसका। और ये आप काउंट के अंदर मत रखिए। सर टिप्स फॉलो ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा टिप्स अच्छा लगा है। I hope you guys like to this video. If you did, then don't forget to give a thumbs up, also subscribe to my channel and press the bell button, ताकि मेरे आने वाले कोई भी latest video आप miss न कर दे। Meet you in my next video. So that's for today. It's me signing out. Love for you from BID.